कृषि बिल के विरोध और अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार के कृषि बिल और प्रदेश में अतिवृष्टि के नुकसान की भरपाई के लिए हाथौद में भारतीय किसान संघ ने तहसील अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए भारतीय किसान संघ ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी है। भारतीय किसान यूनियन ने आज भारतीय किसानों की जो दुर्दशा है उसके शासन को अवगत कराने हेतु प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया तथा दूसरा ज्ञापन दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम। यूनियन ने बताया कि भैया किसानों का जो है पैसा कम आया है, कहीं पर मुआवजा आया नहीं, कहीं पर 5-7 रुपये मुआवजा देकर किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। यूनियन चाहती है कि किसानों को मुआवजा मिले और कृषि विधेयक जो पास हुए हैं तीन बिल, उन तीनों बिलों पर सरकार मंथन करे और जो निजीकरण करना चाहती है कृषि का वह निजीकरण बंद करे। किसान इससे आक्रोशित है और किसानों की मांग है कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अपना मैं जिला महासचिव ईश्वर सिंह चौहान। आज तहसील हाथौद में किसानों ने कमल सिंह यादव जिलाध्यक्ष की तरफ से एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने मांग की है कि जो बीमा की राशि इन्हें जो किस्त मिली है वो कहीं कहीं कम है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और इनकी ये भी मांग है कि किसानों की सारी फसलें लगभग खत्म होती है या नुकसान होता है, उसके उचित भाव के लिए भी इन्होंने इसमें लिखा है। और जिन लोगों को बीमा राशि नहीं मिली उनको जल्दी दिलाया जाए, ये बात इन्होंने लिखी है। तो ये ज्ञापन को उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कर चुकी है, अब बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, हाथौद।